बहुत कुछ कर दिख रहा उसमें है नेक्स्ट लेवल भगवान शिव शंकर दिखाया गया था बात ये देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फोन में देखो ऐसा दिख रहा है ना उसमें ये सिंगल माउंटेन भी दिख रही है खुल के हां बहुत जबरदस्त दिख रहा है यहां पे उठा के जाओ Hey guys, welcome to new and fresh vlog. Last vlog की एंडिंग नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, होता है. तो guys, आज हम लोग जा रहे हैं मुख्यम घूमने. आज भी यही है, आज का डे भी स्टे का यही है. तो आज हम जा रहे हैं मुख्यम, यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर है. और वहाँ पे भी सेम जो लास्ट पहाड़ वाली वीडियो थी वहाँ पे भी हमने अराउंड काफ़ी ट्रैवल किया था लॉन्ग, मतलब पैदल 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 पैदल. यहाँ पे कभी कुछ ऐसे सीन है, 5-1 किलोमीटर और काफ़ी फेमस है. दिखाऊंगा वहाँ जाके क्या क्या चीज़ें. और कहते हैं कि वहाँ पे एक पत्थर है जो पूरा हाथ लगाओ तो नहीं हिलता है, ठीक है, और सिर्फ एक उंगली लगाओ ना, सिंगल उंगली, तो हिलता है, ऐसा कहते हैं लोग यार. और काफ़ी सुना भी इसके बारे में, आप क्या तो और वीडियोस देख सकते हो. लेकिन अभी जा रहे हैं फिलहाल और देखते हैं क्या 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 होता है. चलो कंटिन्यू करते हैं. और शादी हुए हैं, कैसे कैसे बैठते हैं लेडीज़ वगैरह, ग्रुप बना बना के वो दिखाते हैं हमारी. यहाँ पर दादी बुआ छोटा भाई वगैरह बैठे हुए हैं, इधर लोग नहा रहे हैं, खाना वाना बन रहा है, टेंट लगा पड़ा है, इस तरफ रिलेटिव वगैरह बैठे हैं. ठीक है ठीक है. तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मुख्यम के लिए और दो गाड़ियां हैं और अराउंड 12 लोग हैं हम लोग. 12 हाँ, छोटे छोटे बच्चे बच्चे मिलाके छोटे छोटे मिलाके 12 लोग होंगे हम लोग. तो निकल चुके हैं, एक गाड़ी आगे चलती है, एक गाड़ी पीछे चल रही है, हम लोग जीजू की गाड़ी में. और जैसे ही पहुंचते हैं आपको दिखा दूं डेस्टिनेशन कैसी है, ठीक है, एंड रास्ते में क्या क्या मस्ती होती है वो भी. गाइस अभी यहाँ से अराउंड मुख्यम होगा 6-7-8 किलोमीटर और गाड़ी का वेट कर रहे हैं, पता नहीं पापा कहाँ रह गए, आ रहे होंगे धीरे 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 धीरे. जीजू थोड़ा ज़्यादा खींच रहे हैं बीच बीच में, वेट कर रहे हैं. और एक चीज़ और चेंजेस हुआ है बीच में कि एक लेडीज़ और बैठा ली है रास्ते में से, क्योंकि शायद वो स्कूटी से रहे, टू व्हीलर से थे, तो उनके पास लगेज ज़्यादा था. तो उन्होंने कहा हमें बैठा लो मुख्यम तक. ठीक है चलो, हम लोग एडजस्ट हो गए मुख्यम तक, वो साथ ही हैं अभी. एंड उनके साथ जो स्कूटी से सामान लेके जा रहे हैं और उनके पास भी लगेज है एक और, तो वो भी साथ में ही है. तो कंटिन्यू करते हैं गाइस, चलते हैं मुख्यम की ओर. और व्यू तो आपको बीच बीच में दिखा ही रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं. एंड अभी हो रहे हैं करीब करीब 11:41, 11:41. तो कंटिन्यू करते हैं गाइस, आपको यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ. मतलब यहाँ पर आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती है, बहुत कॉमन हो चुका है. प्रॉपर गाड़ी गिरी पड़ी है नीचे पहाड़ी से नीचे. भाई मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ना खाता नहीं हूँ. ये देखो गाइस, बिगड़ जाओ, ये रात में 12 बजे गिरी है गाड़ी, एज इट इज वैसी वैसी. एक इंसान था इसमें, ड्राइवर बस, वो ठीक है. लेकिन यहाँ गिरी भी है और ये गिरी है यहाँ से ऊपर, ये सामने ये रोड है, ये वहाँ से नीचे गिरी है. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे स्टे कर दी है, गाड़ियाँ वगैरह यहीं रहेंगी. और हमें जाना है यहाँ से ऐसे 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 ऊपर जाना है, ऊपर. ये पहाड़ देखने में लग रहा छोटा है बट ये बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ है. बैकग्राउंड दिखाता हूँ, कुछ ऐसा लुक आता है यहाँ पे. इस तरफ गाड़ी पार्किंग हो जाती है और इस तरफ से वे है जिप पर जाने का.
तो गाइस आप यहाँ पे आके मतलब 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने का खच्चर वगैरह ले सकते हो, ठीक है, 2-2.5 किलोमीटर है, क्लियर किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली कितना है। तो वहाँ पे यहाँ पे आके खच्चर वगैरह ले सकते हो, ले सकते हो, 600 रुपये एक साइड का अप करने के, डाउन के तो खुद ही आ सकते हो। बाकी अगर नीचे भी आना है तो मेरे ख्याल से है नहीं वैसे, बट वो भी अभी कन्फर्म करेंगे, अभी देखते हैं खच्चर करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी जिया जी और माँ बाप क्या कहते हैं, पापा तो कह रहे हैं पैदल जाऊँगा। इनके घोड़े हैं खच्चर, घोड़े दोनों आगे की फीमेल है, पीछे मेल चल रहा है जिस पर जियाजी बैठे हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो गाइस हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और खच्चरों से आए तो हम लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। कितना टाइम लगेगा हम नीचे से ऊपर आने में? आधा पौना घंटा लगा, और खच्चर से आओ तो ज्यादा बेटर हो। ये बहुत सीधी चढ़ाई है, मैं चलते हैं ऊपर मंदिर के दर्शन करते हैं। ये घोड़े के बिना आया है और हमारे साथ आया है, घोड़े के बिना पैदल, और उसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल को देख के लग रहा है ये थका हुआ होगा, अभी भी एक्टिव है, अभी भी इतना एक्टिव बहुत बड़ा है। हाँ भी कैसा लगा पैदल आके? मजा आया बहुत, मैं जिया जी और मम्मी हम लोग तीनों घोड़े पे आए हैं, किसी लिए आगे मस्त तो फ्री एकदम, अब वो आएंगे थकते हुए और उनको लगेगा पूरा 1.5 घंटा से 2 घंटे लगेंगे, उन्हें लगेंगे आराम से, हमें आधा घंटा लगा। गाइस एक चीज़ तो देखी नहीं, यहाँ पीछे देख रहे हैं प्रॉपर हिमालयाज, प्रॉपरली हिमालयाज दिख रहे हैं पीछे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक बारी। वाह ये देखो क्लाउडी क्लाउडी अलग से, ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल भी। नीचे देखो यहाँ आना तो बनता है गाइस, ये देखो जीजू बाइनोकुलर्स लेके आए हैं, तो अब हम इससे देखेंगे कैसा दिखता है नजारा। वेट कर रहे हैं आने का, दीदी बुआ मामा जी आएंगे, वेट कर रहे हैं तब से, और बाइनोकुलर्स से गाइस जो लुक जो नज़ारा दिख रहा है ना नेक्स्ट लेवल है। अगर बाइनोकुलर्स परचेज करना है तो बाय गॉड ये ले लो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का, निकॉन एक्शन का है, इसका नंबर एक बार देख लो आप, नंबर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ और गाइस बहुत सही है, मतलब नेक्स्ट लेवल, अगर आपके लेंस चश्मे भी लगेगा ना तो भी आप देखोगे वो क्लियरली देखेगा, ये सेटिंग होती है अंदर और नेक्स्ट लेवल व्यू है। मैं आपको ऐसे दिखाया ना जूम करके, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे बगल में है, तो परचेज कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है, हालांकि मैं इसका भी प्राइस देखूंगा काफ़ी कॉस्टली होगा, बट वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइस आप मिलते हैं डायरेक्ट जब वो ऊपर आएंगे, तक वेट करते हैं। ऊपर खाली ग्राउंड देखो, वही तो अच्छा।
सकते तो पैजाम घंटी देखो भाई साहब कितने दौर में घंटी आती यहाँ पे, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन घंटी होगी। दीदी पूजा करने के लिए अभी मतलब आधा घंटा लगेगा अभी, ठीक है तब तक चाय भी आराम से बैठे। और यहाँ की चाय का टेस्ट होता है कैसा है, ये जीजू हैं, जीजू को दिखा, ये जीजू हैं, ये बुआ जी हैं, दिखा दिखा सबको दिखा। लाइक एंड शेयर, हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो थैंक यू, चलो चलो चलो। बहुत कुछ दिख रहा है ये देखो, ऐसा लग रहा है मेरे फोन में देखो ऐसा दिख रहा है ना, उसमें 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 ये सिंगल माउंटेन भी दिख रही है खुल के, बहुत जबरदस्त दिख रहा है। उठा जाओ क्या बात कर रहे केदार, यहाँ है बिल्कुल एकदम, बिल्कुल यहाँ है इसके पीछे। तब तक आप यहाँ पे आके मतलब अंदर प्रसाद भी है और चाय वगैरह का भी प्रबंध है, चाय भी है मेरे ख्याल से, मैगी भी है अंदर जहाँ तक मैंने देखा, ठीक है। तो मैगी वगैरह अपन लोग कुरकुरे वगैरह लेते हैं तब तक, एंड थोड़ा आधे घंटे का टाइम है तो क्यों ना पेट पूजा। चलो गाइस, यहाँ पे जो मान्यता है ठीक है वो मेनली श्री कृष्ण की है ऐसे, ठीक है, बट उनके जो जिनकी वजह से श्री कृष्ण की यहाँ पे मान्यता हुई है वो भी एक इंसान ही थे, ठीक है, वो है गंगू रोमड़ो, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पढ़वाया, एंड यहाँ पर उनकी मूर्ति बना रखी है, आपको क्लोज से दिखा देता हूँ। और इनके वंशज अभी भी कंटिन्यू चले आ रहे हैं, इनको श्राप मिल रखा है, इनके वंशज कंटिन्यू चले आ रहे हैं अभी भी। दान
तो गाइस दर्शन वगैरह हो गए हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं नीचे, एंड नीचे मिलते हैं आराम से घर जाके। यहाँ पे भी नहीं, हम घर जाके मिलते हैं आराम से।